इस वक्त मेरे साथ एडी जट, मशहूर साइकिलिस्ट मौजूद हैं। पूरा पाकिस्तान ऑलमोस्ट अपनी साइकिल पे एक्सप्लोर कर चुके हैं, नॉर्दर्न एरियाज इंक्लूडिंग। सर, इस साइकिल पे जो मैंने रिसेंटली किया ना, वो मैंने किया था क्रूम्बर लेक, जो तारीखी था साइकिल पर पहुंचना हमारा एजाज था। मेरे साथ मेरे दो स्टूडेंट भी साथ थे, अदनान मलिक और तनवीर अहमद। पर उससे पहले हम फिर कराची गए थे, अच्छा उससे पहले गिलगित गए हैं, अच्छा गिलगित से फिर कुमराट झील, सैफुल मलूक, बडगोई टाप, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर, मरी, ये तकरीबन इधर से लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पिशावर, कुहाट, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब हो चुका है। क्रूम्बर लेक अपर चित्राल का एरिया आता है इसमें, और मशहूर जो है ना वो ब्रोगल वैली है। ब्रोगल वैली में उसके इस वैली के अंदर एक समझे कोना है जहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, ताजिकिस्तान, ये सारे कंट्रीज़ के बॉर्डर है ना, वो कॉमन पॉइंट है। और जो खुशी वाली बात है, इतने सारे कंट्रीज़ का कॉमन पॉइंट है और पीसफुल एरिया है। क्रूम्बर लेक सामने देखें आपको चाइना है, आप थोड़ा तिरछा देखें तो ताजिकिस्तान है, आप जब वहाँ जा रहे होते हैं ना आपका पूरा लेफ्ट एरिया ये अफगानिस्तान होता है। सर, ये शौक ये है, मैं जो देखता हूँ ना, हर आने वाली नस्ल के अंदर ना कोई ख्वाब होते हैं, उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाता या उसको वालदैन आगे बढ़ने नहीं देते, वो रुकावटें पैदा कर देते हैं, रोज़ी रोटी में लगा देते हैं, उनको मसाइल पैदा करते हैं। शायद मैं कुछ इस तलाश में था, जस्तजू में था कि मैं कुछ डिफरेंट करूँ अपने पाकिस्तान के लिए करूँ, जिसमें पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ, पाकिस्तान के इलाकों को लोगों को दिखाऊँ, लोगों का खौफ ख़त्म हो। लोग अक्सर डरे होते हैं, घरों में बैठे होते हैं, जी पाकिस्तान खूबसूरत, दूसरों की खूबसूरती पे इंप्रेस हो रहे होते हैं, अपनी खूबसूरती को देखा नहीं होता और दूसरों कहते हैं जी बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने देखा है खूबसूरती हर एक की अपनी जगह है, मगर जो हमारा नॉर्दर्न एरियाज है वहाँ खूबसूरती की कमी नहीं है। अच्छा, ये मुल्तान से वहाँ तक का कितना सफर जो आपने साइकिल्स पे किया? सर, ये कितने किलोमीटर ऑलमोस्ट बन जाता है? ये हम मुल्तान से तो ज्यादा बनता है, लेकिन ये जो सफर था हमने इस्लामाबाद से स्टार्ट किया था। अच्छा, ये जो हमारा रूट था वो था इस्लामाबाद से हम सवाबी गए थे, अच्छा सवाबी से दीर, अपर दीर, कैलाश वैली साइड पे था, मशहूर जगह थी, हम क्या हम चलो पहले साइकिलिस्ट होंगे वहाँ पर पहुँचे, साइकिल पे वहाँ कोई भी नहीं गया। अच्छा, उसके बाद चित्राल, चित्राल के बाद हम बूनी गए, ये हमारा रूट जो है मैं बता रहा हूँ आपको, बूनी के बाद मस्तूज आता है, मस्तूज के आगे फिर आप बिल्कुल एक साइड पर हो जाते हैं, यानी कि ट्रैक लेस रोड है, आप ट्रैक है नहीं, साइकिल का भी ट्रैक नहीं है, यकीन कर वहाँ गाड़ियाँ जाती हैं, ऐसे ऐसे दरमियान में जगह आती हैं जहाँ आप चाहते हैं इसके बाद आगे दुनिया नहीं है, मगर वो ट्रैक क्रॉस करें, रास्ता क्रॉस करें, वो नदियाँ, चश्मे, दरिया क्रॉस करेंगे तो आगे इतनी खूबसूरत विलेज, आबादियाँ, फ्रूटफुल एरियाज, याक्स वो मिलेंगे, यानी कि आप हैरान। तो आपने जनूबी पंजाब में नहीं देखे? नहीं देखे होंगे। हाँ जी, हमारे लिए सबसे, हमारे लिए तो कुछ नया होता है ना वहाँ जाके इस तरह की चीज़ें देखें। अब हमारे लिए नया वहाँ ना याक्स थे, क्रूम्बर के याक्स, वो हमें रट्टा लगाया हुआ था प्ले नर्सी में, प्रेम में वाइफ और याक, वो हमने वहाँ देखा उसका गोश्त भी है, यहाँ भी एग्जिस्ट करता है कहीं पे है, और इतने हैं ना, इतने आप तस्वीर भी नहीं कर सकते, एक दो नहीं है, आपको वहाँ सैकड़ों हजारों में मिलेंगे। सर, मैं से यही दूंगा, आप पाकिस्तान के लिए ना अच्छा सोचें, मनफी सोच ना रखें, खौफ निकालें, हम खाम खा ऐसे कुछ गलत अफवाहों, ख़बरों से ना अपने आप के ये डरा देते हैं जी वो लोग सही नहीं है, वो उस इलाके के दोस्त ये सही नहीं है, वो इलाका ऐसे है, यकीन कीजिए अल्लाह जानता है। मैं जितना पाकिस्तान में मुझे मोहब्बत मिली है तो मैं जाता हूँ, अगर मुझे डर तकलीफ़ मिलती तो मैं कभी ना जाता। हालांकि हम सिंध के बारे में भी गलत तसव्वुर रखते हैं, लेकिन हम जब साइकिल पे गए, हमें दोस्तों ने जो वेलकम किया है ना, ये वहाँ कोई भी अंदरून सिंध में हमारा मिलने वाला नहीं था, कि हमारे पाकिस्तान का कोना कोना पूरा अमन है, पूरा अमन है, सिर्फ आपके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, ताकि क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, वो तो फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने आपको चेक करना है फॉर श्योर। अपने बच्चों को किसी ना किसी फिजिकली एक्टिविटी में उसको मशगूल रखें, उनको बिजी रखें, इसका ये फायदा होगा, देखें वो बच्चे जब बाहर निकलेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, दौड़ेंगे, कोई एक्टिविटी करेंगे, वो बच्चे सेहतमंद होंगे और हम उनकी सेहत ही चाह रहे होते हैं। एडी जट साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि ख़ुद भी साइकिलिस्ट हैं, टीचर भी हैं, और मुल्क के भागदौड़ जो फ्यूचर है उसको भी यही इल्म दे रहे हैं कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ आएँ, ख़ुद भी इस मशगले के साथ मशगूल रहते हैं, और पेरेंट्स को भी उन्होंने यही मैसेज दिया है कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ आएँ। इसी के साथ जी, रोमेल तारिक गिल साइनिंग ऑफ, न्यूज़ अलर्ट मुल्तान।